ये एक एग्जांपल बड़ी मजे की मुझे मिली, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। ये ओरिजिनल जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन उन्होंने की। पहले उन्होंने वाई ऑन एक्स निकाला, फिर एक्स ऑन वाई निकाला। तो देखें जनाब, एक लाइन है वाई ऑन एक्स, ये है जी वाई इज इक्वल टू 1.98 प्लस 0.14 एक्स, और ये ब्लू कलर से ये वाली लाइन जो है ना ये आपको नजर आ रही, ठीक है। और जब एक्स ऑन वाई की कैलकुलेशन की तो वो बना एक्स इज इक्वल टू 56.55 प्लस 0.3 प्लस 3.96 वाई। तो आप ये देखें कि ये क्या है आपका, ये है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.14, और ये है जी बी एक्स वाई डेट इज इक्वल टू 3.96। यहां से पॉजिटिव साइन से क्या देख के पता चल रहा है, वो ये देख के पता चल रहा है कि जनाब ये तो इंक्रीज है, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। अगर हम लोग बी एक्स वाई की लाइन को ड्रॉ करें, बी वाई एक्स की लाइन को ड्रॉ करें, तो एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अब मैंने देखे हैं कुछ क्वेश्चंस, बल्कि आई कैप का भी एक क्वेश्चन जो है ना वो मुझे कहीं से नजर आया, तो उसमें भी देखा मैंने कि उसमें ना दो रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई थी, बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, और उसने कहा हुआ था कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, ठीक है जी। तो अभी एक बच्चे का सवाल भी मेरी नजर से गुजरा, उसने कहा जी बी एक्स ऑन वाई और तो है हमारे सिलेबस में, बी वाई ऑन एक्स नहीं है, तो वो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि उसके एक दो सवाल मैंने कहीं पर देखे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अक्सर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई। वाई का मीन निकालें, एक्स का मीन निकालें, तो जो उनका मीन आ रहा होगा वही उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। ये सवाल आपको नॉर्मली आता होता है, ठीक है जी। दूसरी चीज आप ये भी देख लें कि जब बी एक्स ऑन वाई पॉजिटिव था तो बी वाई ऑन एक्स भी पॉजिटिव होगा। हाँ, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हमने ये बात की थी कि अगर सेम दो वेरिएबल्स हों, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट किया जाए, तो उन दोनों के जो साइंस होंगे वो सेम होंगे, राइट। तो ये चीज जो है ना ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। मैंने आपको एक ये स्कैटर डायग्राम भी दिखा दिया, आल्दो स्कैटर डायग्राम हम लोगों ने आगे पढ़नी है, लेकिन क्योंकि आपने स्कैटर डायग्राम पढ़ी हुई है तो हम लोग इन चीजों को जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स आ जाता है। सवाल यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, आपने एक्स का मीन निकालना है, वाई का मीन निकालना है, और दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस।